नमस्कार, ए लेडीज़ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। ये मैं क्रोचेट से कैप बना रही हूँ, तो मैंने ये एक रिंग बना के इसमें 15 डबल क्रोचेट डाला है और फिर प्रत्येक डबल क्रोचेट में दो दो और हम डालेंगे ताकि मेरा फंदा बढ़ जाए। ये बड़ी लड़की के लिए मैं कैप बना रही हूँ। बेबी गर्ल का नहीं, बड़ी गर्ल का है तो इसमें ज़्यादा फंदा रहेगा। तो पहले ये हम एक एक ट्रिबल में दो दो ट्रिबल डालते हुए फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया और यहाँ ले आके हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर थ्री चेन लेंगे और यहाँ पे एक सिंपल डबल क्रोचेट लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से क्रोशिया को अंदर डाल के इस ट्रिबल के नीचे से एक डबल क्रोचेट लेंगे। ऐसे देखिए, एक बार नीचे से और ये देखिए, ये दूसरी बार ऐसे नीचे से हम डाले हैं। फिर हम ये ऊपर करेंगे फंदा, ये ऊपर फंदा करके और एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। इसके बगल में सिंपल डबल क्रोचेट बनाएंगे, सिंपल, और फिर ये नीचे से हम ये फंदा को हमें नीचे करना है, नीचे करके एक डबल क्रोचेट बनाना है। फिर एक डबल क्रोचेट हम बनाए ऊपर से, ये ऊपर से फंदा ऊपर लेते हुए, फिर इसके बगल में हम यहाँ इस होल में हम सिंपल इस होल में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। फिर ये नीचे क्रोशिया ऊपर आ जाएगा और ये ट्रिबल नीचे आ जाएगा और ऐसे बनाएंगे। फिर ये ऊपर हम करेंगे, फंदा ऊपर आएगा, फिर इसके बगल में हम एक सिंपल क्रोचेट बनाएंगे, फिर ये हम ये फंदा को नीचे करते हुए बनाएंगे डबल क्रोचेट, फिर फंदा को ऊपर करते हुए बनाएंगे डबल क्रोचेट, फिर सिंपल डबल क्रोचेट, फिर फंदा को नीचे करते हुए एक डबल क्रोचेट, फिर फंदा को ऊपर करते हुए एक डबल क्रोचेट। ये देखिए, ऐसे ही ये लाइन पूरी होगी। एक बार हमें फंदा को ऊपर करना है और एक बार फंदा को नीचे लेते हुए डबल क्रोचेट बनाना है, और बगल जो हम फंदा को ऊपर लेंगे उसके बगल में हमें सिंपल डबल क्रोचेट बनाना है। अब यहाँ हम अपनी लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर मेरी दूसरी लाइन शुरू हो जा रही है। फिर थ्री चेन लेंगे हम और यहाँ एक सिंपल क्रोचेट बनाएंगे और फिर ये जो है ये नीचे से लिया हुआ है फंदा, तो हम नीचे से लेके इसको डबल क्रोचेट बनाएंगे।
नीचे से लेते हुए डबल क्रोचेट हमने बनाया, और ये देखिए ऊपर से है, ऊपर वाला फिर ऊपर से बनाया, और इसके बगल में फिर हम एक सिंपल डबल क्रोचेट लेंगे सिंपल। और जो ये फंदा है ये फिर हम नीचे से लेंगे, फिर ये ऊपर से बनाया, ऊपर वाले पे ऊपर और नीचे वाले से नीचे बनाना है। और ये देखिए यहाँ सिंपल हम डबल क्रोचेट डाले, और ये जो सिंपल पहले बना हुआ था इसको हम ऊपर से लेंगे, और ये फंदा जो नीचे वाला था उसको नीचे से लेंगे, फिर ये हम ऊपर वाला फंदा ऊपर से लिए, बगल में सिंपल बनाया डबल क्रोचेट, और पहले वाला सिंपल क्रोचेट को हम ऊपर से बनाएंगे। एक नई लाइन हर बार तैयार होती जाएगी, और नीचे वाला डबल क्रोचेट नीचे से, ऊपर वाला डबल क्रोचेट ऊपर से, और ऊपर वाले के बगल में हमें फिर एक नया बनाना है फंदा, और ये पहले बना हुआ फंदा को हम ऊपर से बनाएंगे, नीचे वाला फंदा फिर नीचे से, ऊपर वाला फंदा ऊपर से, उसके बगल में सिंपल डबल क्रोचेट, और फिर सिंपल डबल क्रोचेट जो पिछली लाइन में हम बनाए थे उसको फिर ऊपर कर देंगे, और ये नीचे वाला फंदा नीचे रहेगा। ये देखिए ऐसे ही पूरी रो ऐसे ही चलती जाएगी, एक नया फंदा बनते जाएगा, और फिर वो लाइनिंग बढ़ती जाएगी, ऐसे कैप हमारा पूरा बढ़ जाएगा। फिर हम आगे आपको बताते हैं। देखिए हम यहाँ पे जोड़े, हम यहाँ पे जोड़े, और फिर ये एक नया डबल क्रोचेट लिए, और ये जो डबल क्रोचेट ऊपर वाला था इसको ऊपर वाले से बनाए, नीचे इसके बगल में फिर एक नया सिंपल डबल क्रोचेट बनाए, और ये नीचे से हम क्रोचेट बनाए, फिर ऊपर, फिर इसके बगल में नया डबल क्रोचेट सिंपल, फिर ये जो बगल में सिंपल वाला मेरा था फंदा उसको हम ऊपर से ऐसे उठा के बनाएंगे जो ऊपर वाला डबल क्रोचेट बना रहा है, और ये फिर नीचे वाला नीचे से बनाएंगे, ऐसे ये फिर ऊपर, और इसके बगल में सिंपल डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। ये देखिए ये ऊपर वाला जा रहा है, ये नीचे वाला जा रहा है, और इसके बगल में सिंपल डबल क्रोचेट जा रहा है, जो अगली बार आके एक नई लाइन तैयार हो जा रही है। ये देखिए ये बीच बीच में हमने फंदे बढ़ा लिए हैं, जो बगल में ये सिंपल डबल क्रोचेट डाल रहे थे तो उसको अब हमने इस तरह से बैठाया, एक ऊपर आया और एक नीचे से जो लेना है ट्रेबल। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिंपल बस एक बार ऊपर से ट्रेबल लेना है डबल क्रोचेट, और एक बार नीचे से, ये देखिए एक बार नीचे से हमें लेना है, और एक बार ऊपर से डबल क्रोचेट लेना है, ये ऐसे ऐसे करके 7 सेंटीमीटर तक हम बना लेंगे, क्योंकि बड़े का कैप बन रहा है तो लंबाई उसी अनुसार रहेगी, एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से, ऐसे ही अब हमें बनाते जाना है अपनी लंबाई के अनुसार। ये देखिए सिंपल एक बार नीचे से लिया फंदा, और ये देखिए ये ऊपर वाले में ऊपर से लिया, काफ़ी
मोटा रहता है ये, तो ये अच्छा रहेगा जाड़े के लिए, जाली नहीं है इसमें। देखिए एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से, ऐसे लगभग हम, ये देखिए अभी तो ये इतना बना है, ऐसे हम 7 सेंटीमीटर तक बना लेंगे। ये देखिए हमारी कैप तैयार हो गई, इसे हमने 9 इंच लंबा बनाया। ये देखिए इसमें फिर हमने ये 2 इंच मोड़ दिया, तो ये लगभग 7 इंच, ये 2 इंच मोड़ देंगे, 2 इंच हम मोड़ देंगे इसको, तो इसकी प्रॉपर लंबाई 7 इंच आएगी। देखिए तो प्रॉपर लंबाई 7 इंच, और ये फ्लावर बना के हमने टांग दिया। आप इसे जेंट्स कैप भी बना सकती हैं, जेंट्स कलर लेके, काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी गर्म करेगा ये। इसके डिज़ाइन ऐसी है, इसमें हवा नहीं पास करेगा उतना। कैप तैयार, कैप मेरी इस तरह है। आशा है आप लोग को पसंद आएगा। धन्यवाद।